हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जियो में कॉलर ट्यून किस तरीके से लगाते हैं। मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, दोनों ट्रिक में से आपके लिए एक ना एक जरूर यूज़फुल होगी। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। दो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही ईजी और आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप बहुत ही आसान तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको फर्स्ट ट्रिक की ओर लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपको अपना माई जियो एप्लीकेशन में ओपन कर देना है। इसमें ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जियो ट्यून्स का, जैसा कि आप यहाँ पर दिख पा रहे हैं। इस ऐड को पहले कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक जियो ट्यून का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपके सामने फिर इस तरीके का इंटरफेस आपके फ़ोन के डिस्प्ले पे ओपन हो जाएगा। तो जो मैंने इस पर कॉलर ट्यून लगा रखी है वो आपके सामने इस तरीके का आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख रहा है योर करंट जियो ट्यून। तो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कौन सी यहाँ पे मेरी ट्यून टोन जो है मेरी यहाँ पे लग रही है, कॉलर ट्यून जो लग रही है वो कौन सी लग रही है। तो मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये मेरे यहाँ पे इस पर ये कॉलर ट्यून लग रही है। अब मैं इसको आपके सामने चेंज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से चेंज करते हैं और किस तरीके से और कॉलर ट्यून लगाते हैं। यदि यहाँ पे आपको सर्च करने पर कोई भी कॉलर ट्यून नहीं आती है तो उसको दूसरे ट्रिक के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो लगाते हैं। तो मैं आपके सामने पहले चेंज करके बता देता हूँ कि चेंज किस तरीके से करनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर कोई भी गाना सर्च कर लेना, जैसे कि मैं यही ले लेता हूँ, लुट लुट गए, बस यही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर सेट एस जियो ट्यून पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हैं जियो ट्यून सेट सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुकी है। मैं इसको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जैसे कि डन हो चुका है, मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं मेरी जियो ट्यून जो है वो चेंज हो चुकी है। अब मैं आपको एक गाना यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर मिलेगा नहीं, और उस गाने को यदि आपको नहीं मिलता है तो उसको कैसे सेट कर सकते हैं अपने ट्यून में, जियो ट्यून पर। तो यहाँ पर मैं एक गाना सर्च कर लेता हूँ जो कि जसमाना का परांदा वाला गाना है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से यहाँ पे गाने मिल जाएंगे जो शो नहीं होते। लेकिन मैं आपको दूसरी ट्रिक, एक ट्रिक ऐसी बताऊँगा जिस पे वहाँ पे 100% सारे वहाँ पे सॉन्ग्स मिल जाते हैं। यदि आपका यहाँ से काम हो जाता है तो यहाँ से कर लेना, तो दूसरी ट्रिक से कर सकते हैं बहुत आसानी। देख सकते हैं यहाँ पे वो वाला गाना आ ही नहीं रहा, तो आपको दूसरी ट्रिक की ओर लेके चलता हूँ। ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, आपको अपना मैसेज का ऑप्शन खोल लेना है। मैसेज का ऑप्शन खोलने के बाद यहाँ पर आपको 5 6 7 8 9 पर एक मैसेज करना है, जैसे कि जो भी सिंगर है उस सिंगर का नाम यहाँ पे पहले लिख देना सिंगर, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंगर लिख चुका हूँ। उसके बाद जैसे कि कोई भी सिंगर है, जैसे कि परांदा वाला गाना जो है वो जस मानक का है, तो मैं यहाँ जस मानक लिख देता हूँ। सिंपली आपको उस मैसेज उस वाले मैसेज से यानी उस वाले सिम से मैसेज करना है जिस पर आप लगाना चाहते हैं। जैसे कि मैं पहले वाले से करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं पहले वाले से मैसेज कर देता हूँ, वन वाले सिम से मैसेज कर देता हूँ। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे अभी शायद नेटवर्क इशू है, देख सकते हैं मेरा यहाँ पे मैसेज चला जा चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे परांदा वाला यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे आ रहा है 8 नंबर पे। पहले जैसे कि आप यहाँ पे सब टोटल गाने जसमाने के आ चुके हैं, तो यहाँ पे 8 नंबर पे आपको परांदा वाला गाना दिख जाएगा। सिंपली मैं 8 नंबर यहाँ पे प्रेस करता हूँ। 8 के बाद यहाँ पे मुझे उसी सिम से यहाँ पे सेंड कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज और वापस में रिप्लाई में आएगा, देख सकते हैं इस तरीके का। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 प्रेस कर देना है। 1 प्रेस करने के बाद फिर से मैसेज आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज और मिलेगा जिस पे आपको वाई रिप्लाई करके वहाँ पे सेंड कर देना है। फिर उसके बाद आपकी 100% जियो ट्यून लग जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अब आपके पास एक मैसेज और आएगा जिस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज और आएगा। तो यहाँ पे आपको वाई रिप्लाई करके मैसेज यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ गया। अब यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि कंफर्म करने के लिए आपको वाई रिप्लाई करना है, तो सिंपली यहाँ पे वाई रिप्लाई करके भेज देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब मेरा जो परांदा वाला सॉन्ग से वो आसानी से लग चुका है। यदि आपका यहाँ पे जियो माई जियो एप्लीकेशन में कोई भी टोन नहीं मिलती है सर्च करने से, तो आप वहाँ पे जैसे कि मैंने दूसरी ट्रिक बताई थी इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं आप यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मेरे यहाँ पे जियो ट्यून जो लगी हुई है अब कौन सी वाली लगी है, जो कि मैंने आपके सामने दूसरी ट्रिक से परांदा वाली ट्यून लगाई थी, अब वो मेरे यहाँ पर सेट हो चुकी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं मेरे यहाँ पर आसानी से परांदा वाली यहाँ पे
टोन लग चुकी है। तो इस तरीके से आप यानी फर्स्ट से अगर आपका काम ना हो तो सेकंड ट्रिक से आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने अपने फ़ोन से फ्री में जियो ट्यून को डीएक्टिवेट कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप चाहते हैं कि मैं इस कॉलर ट्यून को डीएक्टिवेट करूँ तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस पर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पर डीएक्टिवेट कर देना है और यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो कॉलर ट्यून है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे करंट जियो ट्यून नहीं मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा भी, मैं देख सकते हैं नो सब्सक्रिप्शन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलर ट्यून को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। यदि आपका यहाँ पर गाने को आप सर्च करते हैं, सॉन्ग्स को आप सर्च करते हैं और यहाँ पर नहीं मिलता तो आपको जो मैंने दूसरी ट्रिक बताई थी मैसेज द्वारा अपने पे कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।